हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ तीन तरह के टी केक्स। एक हम बनाएंगे चॉकलेट केक, एक हम प्लेन केक बनाएंगे और एक हम बनाएंगे ऑरेंज जेस्ट केक। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको विदाउट मेजरिंग कप्स जो आते हैं उसके बिना ही सिखाऊंगी, यानी कि हम स्पून को एक तरह का मेजर मानेंगे। तो आइए, इसमें मैंने दो स्पून ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। दो स्पून ही हम इसमें पाउडर शुगर ले रहे हैं, ठीक है। स्पून का मेजर रखेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसके बाद इसमें दही, देखिए दो स्पून पाउडर शुगर, दो स्पून ऑयल, तो तीन स्पून हम इसमें लेंगे, यानी कि दो स्पून हम इसमें लेंगे मैदा और एक स्पून हम लेंगे चॉकलेट पाउडर, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक स्पून दही डाल रहे हैं, ये सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो स्पून मैदा लिया ना, अब इसके अंदर आप एक स्पून चॉकलेट पाउडर लेंगे फ्लेवर के लिए, क्योंकि हम ये चॉकलेट केक बना रहे हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस स्पून का मेजर आप याद रखिए, ऑयल और शुगर इक्वल रहेगा स्पून, और मैदा आपका रहेगा दो स्पून, सभी दो दो स्पून है, बस इसके अंदर हमने एक स्पून चॉकलेट पाउडर डाला है और दही एक स्पून। इसकी कंसिस्टेंसी के लिए आपको अच्छा बनाने के लिए, अच्छा जो हमें चाहिए होता है रिबन की, उसमें तो हम इसमें मिल्क लेंगे, दूध लेंगे इसके अंदर हम, उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम इसके अंदर चुटकी भर आप इसमें अपना बेकिंग पाउडर डालिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अगर आप स्पून्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी का भी केक ख़राब होगा ही नहीं। सेम ही मेथड से अब हम दूसरे वाला बैटर बनाएंगे, जो कि है ऑरेंज जेस्ट के साथ पे। दो स्पून ऑयल, दो स्पून पाउडर शुगर लेंगे, और इस ऐसे ही सेम सब बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा एक मिनट तक आप मिक्स कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए वो। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, ठीक है। एक स्पून दही हो गया इसके अंदर, अब दो स्पून मैदा, सब दो दो स्पून है, ठीक है, दो स्पून मैदा है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और दूध से हम इसको अपना रिबन की शेप में, जो हमें चाहिए रिबन की कंसिस्टेंसी, वो दूध से ही डालना है। कोई पानी वगैरह नहीं डलेगा इसके अंदर, कुछ भी एक्स्ट्रा मत डालना। और अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जेस्ट, संतरे का जेस्ट डाल के हम लोगों ने, जेस्ट मीन्स ये पील, जो संतरे को आप कद्दूकस कर लो, जेस्ट निकल आएगा उसमें से, ये हम इसके अंदर डालेंगे। सेम ही हमारा तीसरा केक है, अभी बार दोबारा नहीं दिखा रही हूँ, मतलब खाली ऐसे जस्ट बता रही हूँ आपको। सेम, दो स्पून ऑयल, दो स्पून पाउडर शुगर, एक स्पून दही, दो स्पून मैदा, ये हमारा प्लेन केक है, बिल्कुल प्लेन सिंपल केक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, बहुत ज़रूरी है कि जब हम दो स्पून पाउडर शुगर और दो स्पून ऑयल, जो हम ऑयल ले रहे हैं, इनको हमें अच्छे से थोड़ा मिक्स करना है कम से कम एक मिनट तक, ताकि वो जो फ्लफीनेस, इसी से केक हमारा अच्छे से राइस होता है। अब स्पून के मेजर, जिनके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो स्पून के मेजर से आई डोंट थिंक कि किसी का गलत होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होगी, रिबन की तरह, मतलब ऐसे फ्लोइंग गिरता हुआ होना चाहिए। लास्ट में हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये तरीके का होना चाहिए आपका। तो दूध से ही आएगा ऐसा, जो रिबन की शेप में का, सिर्फ दूध से आएगा। तो अब मैंने इसमें क्या किया, तीन एक जैसी कटोरी ले लिए हैं, उसको ऑयलिंग कर लिया है, और मैं उसके अंदर अपने तीनों बैटर्स को पोर कर रही हूँ। तीनों केक्स को, तीनों डिफरेंट फ्लेवर केक्स को हम एक साथ गैस के ऊपर, जिनके पास ओवन, ग्रिल, ओटीजी कुछ भी नहीं है, तो आप एक नॉर्मल पैन के अंदर एक वो रख के, जो हमारा अंदर है उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, उसके अंदर रख के हम इसको स्टीम करेंगे, और 30 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा केक इस तरीके का बना है, बहुत ही अच्छा राइस हुआ है। बस आप ध्यान रखिए, मेजर का बिल्कुल ध्यान रखना, सिर्फ स्पून्स को फॉलो कीजिए जिनके पास मेजरिंग कप्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो, सिंपल सी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, कभी आप टाइम निकाल के उसको कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।